हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर विथ पैटर्न, मीन्स जिस पैटर्न में आपका तिमाही परीक्षा में आता है उसी पैटर्न में हम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाला है, जो कि काफी हद तक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। ठीक है, सही विकल्प में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पैमाने से ज्ञात किया जाता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, सॉरी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, दो स्थानों के बीच की दूरी हम नाप सकते हैं, या हवा की दिशा बता सकते हैं, या स्थान की दिशा, या इनमें से कोई नहीं आपको टिक करना है। ठीक है, तो इसकी आंसर हो जाएगी कि पैमाने से क्या ज्ञात किया जाता है, तो दो स्थानों के बीच की हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया। तो भांगड़ा नागल बांध जो है आप लोगों को, बहुत से बच्चों को पता है, कौन सी नदी पर बनाया गया, सतलज नदी पर बनाया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पर की ओर चलते हैं। आपका जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, भारत में वनों की कितने भागों में, भारत की वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत के वनों को देखो, इसमें ऑप्शन अगर 6 रहता तब जाके आपको कंफ्यूजन होता, क्योंकि आप बुक में देखोगे तो 6 दिया गया, 3 भी दिया गया, तो यहां पर ऑप्शन सिर्फ 3 वाले, इसलिए यहां पर 3 को टिक करेंगे। ठीक है, तो वो 3 कौन कौन से, आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण, इस तरीके से ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत आसान, एकदम बच्चे बच्चे को पता है किसके बारे में, कोलार सुवर्ण क्षेत्र, मीन्स बात हो रही KGF के बारे में बात हो रही। KGF का फुल फॉर्म क्या होता है, KGF मीन्स कोलार गोल्ड फील्ड, मतलब कोलार सुवर्ण क्षेत्र। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन किस प्रांत में है। तो भाई ये तो बहुत आसान है, मतलब गली के बच्चे भी जानते हैं, मतलब आप इसका आंसर आराम से जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके आंसर आप तो कमेंट करके बताओ, देखते हैं कि एक्चुअल में कितने बच्चों को KGF कहां पर है वो पता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कौन से रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन विजिबल हो रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि डेल्टा की आकृति कैसी होती, तो डेल्टा की आकृति कैसे होती, त्रिभुजाकार होती है। फिर जो नक्शा बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसको मानचित्रकार कहेंगे। जाहिर सी बात है, नक्शा मानचित्र बना रहे हैं तो मानचित्रकार ही कहेंगे ना, तो इसके आंसर आप लोग लिख सकते हो क्या, मानचित्रकार। अब कुछ बच्चे बोलोगे कि इसको तो बुक में दिया गया है नक्शानविश करके, तो हाँ भाई नक्शानविश भी लिख सकते हो, लेकिन मानचित्र भी गलत नहीं, आर्किटेक्ट भी लिख सकते हो आप तो। ठीक है, क्योंकि नक्शा बनाने वाले को इंग्लिश में आर्किटेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप मानचित्रकार भी लिख सकते हो। फिर दिन में बहने वाली जो गर्म होती है, ठीक है, जो दिन में गर्म हवा बहती रहती है उसको क्या कहा जाता है, इसके आंसर्स भी कमेंट करके बताएंगे। फिर खुले हार की नीति खाली देश में, तो चीन में लागू किया गया। फिर लिबिया के राजा, तो लिबिया के राजा थे कौन भाई, कर्नल गद्दाफी। ठीक है, कर्नल गद्दाफी इसकी आंसर हो जाएगी। तो ये रहा रिक्त स्थान की। फिर आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मानचित्र किसे कहते हैं, को मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के प्रकार पता होना चाहिए कि कितने प्रकार का होता है, सबकी एग्जांपल्स वगैरह अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, फिर कुटुमसर गुफा क्यों प्रसिद्ध है, ये कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है, इसको आपको बताना है। फिर अरब बसंत क्या है, 3 मार्क्स के लिए, सॉरी 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है। अरब बसंत क्या है, दास व्यापार क्या है। तो देखो इस सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम इधर से लिए, कुछ क्वेश्चन उधर से लिए, तो हो सकता है कि इसको आपके स्कूल में ना पढ़ाया गया हो, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ऐसा हो रहा है। हमारे 4 पोर्शन है, चारों पोर्शन में से 2-2-2-2 करके आपको सभी का चैप्टर्स खत्म करना है, इसलिए हमने जो आपके बोर्ड बोले हैं कि जहां तक की सिलेबस आपको कंप्लीट करने के लिए बोला गया है आप लोगों के स्कूलों में, वहां तक की कंप्लीट सिलेबस मीन सेप्टेम्बर माह की सिलेबस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके पैटर्न हो सकती, सैंपल पेपर हो सकती, वो आपको बना के दिया गया, ताकि आप 100% अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, एक बात और साथ ही साथ यहाँ बताते आपको बता दूं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट 1 क्लिक में ज्वाइन कर सकते हैं चाहते हैं तब, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी जो डाउट्स है
वो बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते चलो, हम देख चुके दास व्यापार तक का, देखें फिर आपका यहाँ से आती 3 अंक वाले क्वेश्चंस क्या है, मौसम और जलवायु में आपको 3 अंतर लिखना है कि मौसम क्या होती है, जलवायु क्या होती है, 3 पॉइंट्स में आपको बताना है। फिर शहरीकरण का लीबिया की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, जब शहर बनने लग गए तो लीबिया की जनता को क्या प्रॉब्लम्स हुई, या क्या वहाँ के मतलब क्या आसानी होने लगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो, कुछ तो फायदा हुआ होगा। तो क्या प्रभाव पड़ा, एक्चुअल में प्रभाव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उस प्रभाव को आपको लिखना है। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको रूढ़ चिन्ह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पेड़, घास, नदी, कुआं, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, ये सब चीज आपको बनाने बोला जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या किया गया कि ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं ला सकते तो, बट जो पैटर्न होते हैं जो आपके लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को डाला गया है इसमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आपके 3 मार्क्स वाले एक और क्वेश्चन है, कोयले की खान में मजदूर कपड़े की टोपी पहनकर क्यों काम नहीं करते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, कोयले की खान में जो मजदूर है वो कपड़े की टोपी क्यों नहीं पहनते, उसको दूसरी टोपी क्यों दिया जाता है, ये बताना है 3 मार्क्स के लिए। फिर आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वास्को डिगामा की यात्रा का वर्णन करना है कि वास्को डिगामा कब, कहाँ से, किस प्रकार यात्रा प्रारंभ की, क्यों किए, कंप्लीट आपको लिखना है कि कहाँ पर कैसा हुआ, कहाँ पर उनके दोस्तों को बीमारी हुआ, सब कुछ डिटेल लिखना है। फिर 12 की बात करें तो म्यांमार में आगे सांसू की का लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में क्या योगदान है उसको लिखना है। ठीक है, फिर ये 4 अंक वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, फिर 5 अंक वाले 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जैसे कि 30 नंबर में देखो, इसमें क्या पर महिला आयोग के प्रमुख कार्य लिखना है, या आपको वो नहीं करना है तो आप नीचे वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके नाम लिखना है आपको। 6 मौलिक अधिकार है तो 6 मौलिक अधिकार आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब बिफोर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आप अभी तक अगर हमारे चैनल क्लब वीआरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी 9th जनवरी स्टार्ट होती है तो फिर पूरे 10th 11th 12th तक आपको इस चैनल के माध्यम से बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 14, बाल संरक्षण अधिकार आयोग की गठन का उद्देश्य, जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग है उसकी गठन क्यों गया किया गया था वो आपको बताना है, या उसके अथवा में आपको क्वेश्चंस दिया गया है कि बाल श्रमिकों से आमतौर पर कौन कौन से कार्य करवाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, वो करवाए जाते हैं वो है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस कितनी क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हो गई और कितनी क्वेश्चंस की तैयारी आपको बाकी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी जरूर कर लेंगे। अब देखो कुछ स्कूलों में 100 मार्क्स की टेस्ट लिया जाएगा, ऐसे बच्चों से सुनने को मिल रहा है, तो मैं बता दूं कि तिमाही में 50 मार्क्स का ही होता है लगभग। अब टीचर क्या है अपने मन से, वो ले सकते हैं 75 मार्क्स का, बट क्वेश्चन इन्हीं से अंडर से आने वाला है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस आपको बताया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस को तैयारी जरूर कर लेना, और उस पार से एक एक दो दो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है ना, एक क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चंस को लाना पॉसिबल नहीं, इतना तो आप समझते ही है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।